वेलकम टू द क्लासेस ऑफ वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। सो हमने देख लिया था कि लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें हमने ग्रोथ पढ़ लिया है, लेकिन ग्रोथ को भी हमने एक लिविंग थिंग का एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की, जैसा कि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है चाइल्ड, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं संतान या वंशज। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। हाँ, और कैसे प्रोजेनी है, मतलब कैसे चाइल्ड होने चाहिए या कैसे रिप्रोडक्शन में कैसे चाइल्ड होते हैं, सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। मतलब वो पेरेंट्स के किसके क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, पेरेंट्स से वो मिलते जुलते रहते हैं, भले ही वो ज़्यादा हो या लेस हो, लेकिन उनके बीच में कोई ना कोई क्या होगी, सिमिलरिटीज़ होगी। हाँ, अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, विच वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम फंगी, हाँ, जो कि फंगी की अगर हम बात करें, तो वो स्प्रेड होती है, मतलब वो फैलती है या वो मल्टीप्लाई होती है। हाँ, मतलब रिप्रोडक्शन करती है। हाँ, किसकी हेल्प से? वो स्पोर्ट्स की, मतलब एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की हेल्प से वो मल्टीप्लाई होती है और स्प्रेड होती है, मतलब फैलती है। ठीक है, अब हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे यीस्ट या हाइड्रा की बात करें, तो उनके अंदर हम बडिंग देख सकते हैं। हाँ, बडिंग कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि एक हाइड्रा है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ छोटा सा एक ऐसी कली निकलेगी। अब ये जो बर्डिंग है, मतलब ये जो बर्ड है, ये जो कली है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, फिर और बढ़ते जाएगी, और बढ़ते जाएगी, और आगे चल के ये यहीं पे ऐसे एक और हाइड्रा ये बना लेगा, जैसे कि आपने 10th में पढ़ा ही होगा। ठीक है, और फिर एक एंड टाइम पे ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और मे भी डिटैच नहीं भी हो तो ये इस यहीं पर ग्रो करने लगी और इसी के साथ रिलीक होने, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये यहाँ से अलग हो जाती है। ठीक है, और एक नया हाइड्रा बन जाता है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि प्लेन एरिया या फिर फ्लैट वर्म की अगर बात करें, तो उसमें रीजनरेशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट, हाँ, ऑफ इट्स बॉडी। मतलब क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेड, मतलब कोई सा भी एक टुकड़ा जो रहता है ना, फ्रेगमेंटेड पार्ट जो रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, वो लॉस पार्ट जो रहता है वो क्या हो जाता है, एक नए ऑर्गेनिज्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो फ्लैट वर्म अगर होगा, हाँ, जैसे मान लीजिए प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया का कोई सा भी पार्ट टूटा, तो वो जो पार्ट टूटा है वही पार्ट वो एक पूरा नया प्लेन एरिया बन जाएगा, नया एक मतलब न्यू प्लेन एरिया बन जाएगा। तो इसी के द्वारा इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। फिर अगर हम फंगी या फिर एल्गी, हाँ, या फिर हम प्रोटोनेमा ऑफ मॉस, अगर ये देखें, तो इसमें इजीली क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। मतलब इसमें फ्रेगमेंटेशन का कैरेक्टर या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन देखा गया है। प्रोटोनोमा ऑफ मॉस क्या होता है, तो देखिए, प्रोटोनोमा इज द थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल डेट फॉर्म्स द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। अब देखिए, मॉस का मतलब होता है काई, हाँ, आपने काई देखी भी होगी। तो प्रोटोनोमा ऑफ मॉस का मतलब क्या है, कि जो मॉस रहता है, हाँ, उसकी जो इनिशियल स्टेट रहती है, मतलब जो वो इनिशियल स्टेट में ग्रो हो रहा होता है, हाँ, या फिर जब उसकी इनिशियल लाइफ साइकिल चल रही होती है, तो उस टाइम पे जब इनिशियल स्टेट रहती है, तो जो सेल्स रहते हैं, हाँ, उसके जो सेल्स रहते हैं, वो सेल जो रहते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसके? सेल्स के। ठीक है, और कुछ ऐसी वो चेन आगे ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की। तो उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है प्रोटोनेमा। ठीक है, वापस से सुन लीजिए प्रोटोनेमा की डेफिनेशन। प्रोटोनेमा का मतलब क्या होता है, प्रोटोनेमा जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ, किसका स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक चेन स्ट्रक्चर है, किसका? सेल्स का, हाँ, जो किसके द्वारा बनती है, जो मोसेस रहते हैं, जो उसके इनिशियल स्टेज रहती है, उनके सेल से बनती है। ठीक है, आगे सुनिए। अब
इसके बाद बोला गया है कि यूनिसेल्युलर जो है, हाँ जैसे कि बैक्टीरिया, हाँ यूनिसेल्युलर एल्गी या अमीबा, तो इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिमस है। सिनोनिमस मतलब एक जैसे, किसके मतलब समानार्थी, जिसको हम सिनोनिम हम पढ़ते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये क्या है, सिनोनिमस है मतलब एक जैसे है, समानार्थी है। किसके समानार्थी, किस ये वर्ड जो है रिप्रोडक्शन जो है इनके लिए एक जैसा है, किसके हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से। मतलब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनम्स की बात करें, हाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनम्स की बात करें, तो जो रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ है वो दोनों क्या है, इक्वल है, वो सिनोनिम्स है। हाँ क्योंकि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनम्स रहता है उसमें क्या होता है, वो डिवाइडेशन होता है सेल्स का, एक से दो, दो से चार, हाँ ऐसे बनते हैं। तो यही इनके लिए क्या है, रिप्रोडक्शन भी और यही क्या है, ग्रोथ भी है। हाँ अब ग्रोथ का मतलब हम देख चुके हैं ऊपर की इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, हमने दो एक मास में इंक्रीज होना, या मास मास में इंक्रीज होना और एक नंबर में इंक्रीज होना, तो दोनों को हमने क्या बोला था कि ये ग्रोथ के ग्रोथ ही होती है। ठीक है, तो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों एक ही है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो एक ही होंगे, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और मास। हाँ जो कि हमने यहाँ पे भी देख चुके हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहता है उनके अंदर हम कोई क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं, कौन से, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, हाँ उनको हम किस प्रकार से यूज कर सके, क्योंकि ग्रोथ भी उनके लिए क्या है, रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन भी उनके लिए क्या, ग्रोथ है। तो एक साइकिल जैसा बन जाता है जिसे समझना मुश्किल है कि आखिरकार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में रिप्रोडक्शन क्या होगा और ग्रोथ क्या होगी। हाँ लेकिन अब अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बात करें, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो रिप्रोडक्शन उनके अंदर ही नहीं है, जैसे कि मोल्स, हाँ मोल्स, फिर स्टेराइल वर्कर भी, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनके अंदर क्या नहीं होता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब मोल्स का मतलब क्या है, मोल्स का मतलब है जैसे वो आपने सुना होगा खच्चर, हाँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। अब स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, हाँ तो जो बांझ वर्कर भी होते हैं, मतलब जो जन्म नहीं दे सकती, किसको जन्म नहीं दे सकती, उनके चाइल्ड को, मतलब प्रोजेनी को जो जन्म नहीं दे सकती, तो उनको अपन क्या बोल रहे हैं, बांझ बोल रहे हैं, मतलब स्टेराइल बोल रहे हैं। और जो इन्फेक्टेड कपल रहते हैं, मतलब जो जन्म देने के लिए केपेबल नहीं हो, उनको भी अपन ने, मतलब ये जो जितने भी हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, हाँ ऑफ स्प्रिंग को। इसी हिसाब से रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रोथ की ही तरह क्या नहीं कर, इसको क्या नहीं वो मान सकते, कैरेक्टर नहीं मान सकते हैं किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। हाँ, ये बात पक्की है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करते हैं, वो केपेबल नहीं है कि वो रिप्लीकेट करे, ठीक है, खुद से वो क्या कर सके, रिप्लीकेट कर सके। लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन जो है वो क्या नहीं है, वो लिविंग बींग्स का एक्सक्लूसिवली क्या नहीं होगा, वो कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ गए हैं जो कि आने नहीं चाहिए थे, किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम मोल्स बोले, स्टेराइल वर्कर्स भी बोले, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल बोले, ये लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो लिविंग थिंग नहीं होंगे, लिविंग थिंग है लेकिन हम किसको कैरेक्टर नहीं मान सकते, हम रिप्रोडक्शन को एक लिविंग थिंग का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं मान सकते, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, जो कि लिविंग बींग्स का नेक्स्ट कैरेक्टर है। ओके थैंक यू।